हेलो दोस्तों, मेरा नाम एम डेफरी, स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल वाई एम के यानी जो मशनों में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वाईफाई और मोबाइल डाटा का कंपेयर करने वाले हैं और अंत में जानेंगे कि कौन से जो है आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो जानने के लिए इस वीडियो को जरूर से पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंपैरिजन शुरू करने से पहले हम लोग जो है पहले जान लेते हैं कि जो वाईफाई और मोबाइल डाटा है ये जो है काम कैसे करते हैं। हम सभी को पता है कि जो मोबाइल डाटा है वो जो है टावर्स के थ्रू जो है कनेक्टेड होते हैं और जो वाईफाई है वो जो है क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू जो है हम तक जो है कनेक्ट होते हैं। अब देखना ये है कि जो वाईफाई है उसमें क्या होता है कि एक बार जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है लगा दिया और जो है उसका जो है बाकी का खर्चा नहीं होता, तो लॉन्ग टर्म में जो है वाईफाई जो है हमारे लिए सस्ता पड़ जाता है। पहले आपको जो है 2000 या फिर जो है 3000 दे के जो है आपको जो है उसको लगाना है और उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा जो है सस्ता हो जाता है। अब देखना यह है कि मोबाइल डाटा जो है उस वो कनेक्ट होता है टावर्स के थ्रू। अब टावर्स में जो है क्या होता है कि जो है उसका मेंटेनिंग कॉस्ट आता है और जो है टावर में जो है कभी बिजली गिर जाता है तो टावर जो है कहीं पर जो है ब्रेक हो जाता है, डैमेज बहुत सारा होता है टावर का, इसलिए जो है मोबाइल डाटा का चार्ज जो है इतना ज़्यादा होता है। तो मैंने जो है आपको बता दिया कि क्यों जो है वाईफाई और मोबाइल डाटा का जो चार्ज है इतना ज़्यादा जो है डिफर करता है, कि वाईफाई आपके लिए जो है लॉन्ग टर्म में सस्ता पड़ता है और मोबाइल डाटा जो है आपको कॉन्स्टेंटली जो है बहुत ज़्यादा जो है पैसा जो है देना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कंपैरिजन को। दोस्तों, जब हम लोग जब इंटरनेट का जो है एक्सेस करते हैं और जो है सर्फिंग करते हैं तो हमें जो है सबसे पहले चाहिए स्पीड। अब स्पीड जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग जो है वाईफाई और जो है मोबाइल डाटा के बीच में जो है हम लोग जो है वाईफाई को जो है ज़्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि जो है वाईफाई में जो है आपको जो है स्पीड जो है बेटर मिलता है। आप कहेंगे हम सभी को पता है। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी क्या है दोस्तों? हम जब किसी ऑनलाइन गेम को खेलते हैं या फिर जो है कोई ऑनलाइन टास्क कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो है हमारा जो है पिंग मैटर करता है। तो मोबाइल डाटा में क्या होता है कि कभी जो है पिंग जो है हाई हो जाता है और जो है कभी पिंग जो है लो हो जाता है, लेकिन आप जब जो है वाईफाई का इस्तेमाल करोगे तो वाईफाई में क्या होगा कि आपको जो है सेम पिंग जो है देखने को मिलेगा, लेकिन आपको देखना यह है कि आप जो है किस पैक को जो है रिचार्ज करके रखे हो। और जो है मोबाइल डाटा में जो है आप जो है कोई भी पैक जो है रिचार्ज करो, आपका जो है डिपेंड करता है कि आप जो है किस लोकेशन में रह रहे हो और जो है आपका जो है 3G है या फिर 2G है या फिर जो है 4G है, ये भी डिफर करता है। लेकिन जो है ज़्यादातर जो है एरिया ही डिपेंड करता है, क्योंकि जो है ज़्यादातर लोग हमारे में जो है क्या यूज़ कर रहे हैं अभी जो है सभी 4G ही यूज़ कर रहे हैं। जियो का हो 4G या फिर जो है एयरटेल का हो 4G या फिर जो है वोडाफोन का 4G हो, लेकिन जो है 4G ही यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम लोग जो है कोई ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो वहाँ पर जो है सबसे बेस्ट जो है पिंग आना चाहिए। तो इसलिए जो है यहाँ पर भी जो है आप जैसा कि देख सकते हैं जो वाईफाई है इसमें जो है आपको जो है सर्विस जो है बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो है पिंग जो है हाई लो नहीं होता, बिल्कुल जो है नॉर्मल रहता है आपके पैक के अनुसार। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, डाटा। जी हाँ दोस्तों, जब हम लोग जब मोबाइल इंटरनेट का जब इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर जो है हमारा जो है एक बैरियर होता है, मतलब हम जो है 2GB या फिर 3GB या फिर जो है 4GB इससे ज़्यादा जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप जिस पैक को रिचार्ज कर रहे हैं उसके अनुसार, तो उससे ज़्यादा जो है आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या होता है कि जब आप वाईफाई का इस्तेमाल करोगे तो वाईफाई में क्या होता है कि जो है आप जो है 500 रुपये या फिर जो है 600 रुपये या फिर जो है 1000 रुपये ऐसे जो है पैक होता है, तो वहाँ पर जो है आप उसका इस्तेमाल करोगे और जो है अनलिमिटेड एक्सेस पाओगे। ये अब जो है देखना आपके ऊपर है कि जो है आपका क्या 2GB या फिर 3GB या फिर 4GB में चल जाता है या फिर जो है आपको और भी ज़्यादा चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम जो है कभी कभी मूवीज़ डाउनलोड करते हैं या फिर जो है कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं बड़ी फाइल, तो हमें जो है डाटा के जो है शॉर्टेज हो जाता है, तो 3 महीने में तो ऐसे जो है हो ही जाता है। तो ये बेहतर है कि आप जो है वाईफाई लगा लीजिए, या अब आपके ऊपर है कि आप जो है ज़्यादा टास्क जो है करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो है मोबाइल डाटा का जो है इस्तेमाल किए ही नहीं और जो है दिन चला गया तो पूरा डाटा जो है वेस्ट होता है। तो लेकिन अगर आप वाईफाई का इस्तेमाल करोगे तो आपको जो है हमेशा जो है अनलिमिटेड इंटरनेट रहेगा और जो है आप जो है हमेशा जो है अनलिमिटेड एक्सेस पाओगे इंटरनेट में। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट में। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं एरिया एक्सेस के ऊपर, कि एरिया एक्सेस में किसको कह रहा हूँ अच्छी तरह से समझिए। कि जो है आप सपोज जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो है किसी पर्टिकुलर का जो है पर्टिकुलर कंपनी का जो है सिम कार्ड जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उस पर्टिकुलर कंपनी का जो है टावर है वो जो है कितना ज़्यादा दूर है आपसे, उसमें जो है आपका डिपेंड करेगा कि आपका जो है कितना ज़्यादा जो है स्पीड मिलेगा। और जो है सेम ऐसा ही होता है अगर आप जो है वाईफाई का इस्तेमाल करते हो, वाईफाई का राउटर से आप जो है कितना ज़्यादा दूर हो उसमें भी जो है आपका जो है डिपेंड करता है। अब दोस्तों, पॉइंट वाली बात ये है कि आप जो है सपोज जो है घर पर जो है वाईफाई तो लगा लिए या फिर जो है अपने ऑफिस में या फिर जो है आप जहाँ पर जो है रहते हैं वहाँ पर जो है वाईफाई तो लगा लिए, लेकिन उससे बाहर तो आप जो है एक्सेस नहीं पाओगे। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि मोबाइल डाटा जीत जाता है, कि आप जो है कहीं पर भी जाते हैं तो आपका जो है वहाँ पर सिग्नल रहता है और जो है वहाँ पर जो है आपके साथ जो है मोबाइल डाटा जो है रहता है, लेकिन वाईफाई नहीं रहता है। तो आपको देखना ये है कि आप क्या ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए जो है मोबाइल डाटा जो है ज़्यादा अच्छा है। आप जो है ज़्यादा ज़्यादा जो है पैक जो है रिचार्ज कर लीजिए 3GB 4GB, तो वो जो है ज़्यादा बेहतर होगा आपका जो है वाईफाई से।
तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मोबाइल डाटा जो है यहाँ पर जो है बहुत अच्छा काम में आता है, क्योंकि जो है भारत के जो है किसी कोने में या फिर जो है दुनिया के किसी कोने में जो है आपको जो है इंटरनेट जो है मिल ही जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल डाटा जो है यहाँ पर जीत गया। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, यूज़र एक्सेस। अब यूज़र एक्सेस क्या है, अच्छी तरह से समझते हैं कि आप जो है मोबाइल में जो है अपने इंटरनेट का जो है रिचार्ज कर रहे हैं, तो उस वो किसके लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और उसमें जो है आप अगर किसी और के जब इंटरनेट शेयर करते हो, तो आपके जो है हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ता है, और वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है एक साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो थैंक्स टू वाईफाई, कि वाईफाई में क्या होता है कि आपको जो है बहुत सारे जो है मतलब लोग जो है एक साथ जो है कनेक्ट हो पाते हैं वहाँ पर, और जो है वहाँ पर जो है स्पीड जो है मतलब सेम स्पीड जो है सबको जो है मिलता है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि वहाँ राउटर जो है कितना अच्छा है, अगर अच्छा होगा तो जो है सबको जो है सामान मिलेगा। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि जो वाईफाई है यहाँ पर जो है आपको जो है बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, मैंने जो है आपको वाईफाई और मोबाइल डाटा के रिगार्डिंग जो है कुछ पॉइंट्स के बारे में जो है डिस्कस किए। अब ये आपके ऊपर है कि आप जो है कौन सा जो है इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको जो है स्पीड ज़्यादा चाहिए, स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा चाहिए, डाटा अनलिमिटेड चाहिए या फिर जो है लिमिटेड चाहिए, आप क्या ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आपका एरिया जो है देखना है कि आप जो है क्या ज़्यादातर जो है आप घर पर रहते हैं या फिर जो है आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, या फिर जो है आपके घर में जो है ज़्यादा यूज़र्स हैं और जो है सिर्फ और सिर्फ घर पे ही रहते हैं। तो ये जो है आपको जो है देखने हैं कि आपको जो है कौन सा ज़्यादा जो है अच्छा है और आपके लिए जो है कौन सा ज़्यादा जो है कंफर्टेबल है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप जो है किसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को बस यहीं पर अंत करते हैं, कि उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। और जो है लाइट चली गई है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आई है इस वीडियो को शूट करने में, तो आप जो है ज़रूर से एक लाइक ज़रूर जो है कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को बस यहीं पर अंत करते हैं, सब खुश रहेगा, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।